बरेली में कथित लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि आलिम नाम के युवक ने आनंद बनकर छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। युवक माथे पर तिलक और हाथ में कलावा पहनता था। छात्रा को आलिम उर्फ आनंद की बातों पर विश्वास हो गया। छात्रा राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग में पढ़ने जाती थी। पढ़ाई के दौरान हाथ में कलावा बांधने वाले और माथे पर तिलक लगाने वाले युवक से छात्रा की मुलाकात हुई। मुलाकात धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में बदल गई। छात्रा के मुताबिक युवक ने अपना नाम आनंद बताया था। आनंद उर्फ आलिम ने छात्रा को शादी का झांसा दिया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद आरोपी ने छात्रा से शारीरिक संबंध और अश्लील वीडियो बना लिया। विश्वास दिलाने के लिए आरोपी ने छात्रा से मंदिर में शादी भी कर ली। छात्रा ने पुलिस को बताया कि आनंद की धार्मिक पहचान उजागर होने के बाद शिकायत करने का फैसला किया। आरोपी छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है और जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि देवरनिया में एक छात्रा ने मुकदमा दर्ज कराया है। उसने आरोप लगाया है कि एक युवक ने पहचान छिपाकर प्रेम प्रसंग किया। मीठी मीठी बातों में आकर छात्रा ने आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान छात्रा गर्भवती हो गई। युवक के खिलाफ छात्रा का गर्भपात कराने का भी आरोप है। देवरनिया थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में लगाई गई है।